दिनक दिन मारात्मक होबारे लागिछि कोरोनार द्वितीय लहर। प्रतिदिन रेकर्ड भांगुछि महामारी कोरोना। एभळी परिस्थिति रे जदि आपण कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होउछन्ति तबे घरे रही किभळी एही महामारी सह लढिबे ओ शीघ्र सुस्थ हेबे आसंतु जानिबा। जदि आपण किंबा आपणक परिवारर कोनोसी सदस्य कोरोना संक्रमित होइछन्ति तबे भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। ऑक्सीमीटर सहित क्रमागत भावरे ऑक्सीजन लेवल जांच करंतु। जदि ऑक्सीजन लेवल 94 तले रहुछि तबे तुरंत डाक्टरक सहित जोगाजोग करंतु। घरे रहिबा समय रे आपण निजक किंबा आपणक कोरोना संक्रमित परिवार सदस्यक मध्य चिकित्सा करि परिबे। ऑक्सीजन सिलिंडर किणी रोगीक किभळि प्रयोग करा जाय ताहा सिखंतु। जे माने संक्रमित होइछन्ति सेमानकु सेमानकर खाद्य ओ पानीयर जत्न नेबाकु पडिबो। सुस्थ खाद्य खांतु, प्रोटीन विटामिन युक्त खाद्य खांतु, मांस माछ चिकेन मसूर डाली छतु पनीर इत्यादि खाइबा स्वास्थ्य पई भल। एही समय विटामिन सी युक्त खाद्य जेपरिकी कमला लेंबू इत्यादि खांतु। प्रचुर मात्रा रे पानी पीबा लाभदायक। विशेषज्ञक कहिबा मुताबक जदि गळारे जंत्रणा किंबा अलर्जी होईछि तेबे आपण जे कोनोसी फल उपरे लेंबू किंबा कमला उपरे लुण किंबा गोलीमर्च गुंड छिंची खाई परिबे। कोरोनार द्वितीय लहर फुसफुस को शीघ्र क्षति पहुंचाउछि। एहाकु एडाइबा पई प्रतिदिन उषुम पानी पियंतु। दिनरे 4-5 थर स्टीम नियंतु। 5-10 मिनिट प्राणायाम करंतु। एहा फुसफुस पई भल। कोरोना संक्रमित माने दिनरे 10-15 मिनिट दीर्घ निश्वास नै छाडंतु। एभळी करिया फुसफुस पई व्यायाम आकार होइथाय। गत वर्ष तुलना चलित वर्ष कोरोना अधिक मारात्मक होईछि। नुआ स्ट्रेन जुगु चारिआड़े स्थिति चिंताजनक रहिछि। तेणु एहाकु अणदेखा नकरी तुरंत लक्षण देखादेले कोविड परीक्षा करंतु। डाक्तरंक कहिया मुताबक जेते संभव हॉस्पिटल न जाई घरे रही चिकित्सा होंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।